One, two, three, come on! हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। और स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो और या फिर सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड हो, तो सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, चलिए सबसे पहला बताने जा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। आई थिंक कि क्लास 8 और 9 में ही इसे आपने पढ़ा होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की बात करें चाहे स्टेट बोर्ड की बात करें, तो ये बहुत ही पहले आप लोग को बताया जा चुका है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। सो सपोज यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, बी इज द 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मींस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, वेयर इज द हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाले साइड मींस एसी इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द हाइपो, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, मीन्स ये वाली साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। मीन्स यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज द, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपकी बुक में देकर रखा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रही थी, तो सबसे पहले ट्रिपलेट क्या होता है इसके बारे में बताओ, व्हाट इज द ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट यू नो द ग्रुप ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ थ्री नंबर इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट। ठीक है, और इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो इन अ ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पर लिख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखा हुआ देखिए स्क्रीन पर, इन अ ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, या फिर रिमेनिंग टू नंबर्स। ओके, मींस सपोज यहां पर कोई डिजिट लिया जाए, कोई नंबर लिया जाए, एग्जांपल 3, 4 एंड 5। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 4, 5 की बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या बोला गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज द, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, मीन्स लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, मीन्स यहां पर 5 देकर रखा हुआ है, मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मीन्स जो टू साइड आपका बचा हुआ है, यहां पर दो नंबर जो बचा हुआ है, स्क्वायर का सम मीन 3 स्क्वायर प्लस
फोर का स्क्वायर, थ्री और फोर यहाँ पर बचा हुआ है, तो थ्री स्क्वायर और फोर के स्क्वायर का सम जो होगा, जैसे थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन इज इक्वल टू 25, ठीक है, ये आपका 25 इज इक्वल टू आ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, मीन्स लार्जेस्ट नंबर ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, और जो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर है मीन्स थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर, इन दोनों का सम, इन दोनों RHS और LHS एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। देखिए 5 का स्क्वायर हमने किया था 25 आया था, और इन दोनों का स्क्वायर करने पर यहां पर भी 25 यहां पर आ रहा था, इसलिए ये दोनों, देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस नंबर 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यदि दोनों इक्वल नहीं होते तो नॉट इक्वल इस प्रकार का साइन लगता और बताया जाता कि इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो आई होप समझ में आया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, आपको सॉल्व भी करना होगा। आपको सपोज देखिए हाउ टू फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फाइंड आउट करना सिखाने जा रहा हूं यहां पर, कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लेट दो नंबर है आपके पास ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर है आपके पास, जिसमें से ए ग्रेटर देन बी, इसको ध्यान रखना है, जिसमें से a ग्रेटर देन b होगा, और a एंड b आर नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट a एंड b आर नेचुरल नंबर और a b से बड़ा होगा, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर जो पाइथागोरियन इसका ट्रिपलेट बनेगा वो होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ट्रिपलेट ये होगा, सॉरी एक ट्रिपलेट का फर्स्ट ये होगा, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये होगा और एक टू ए बी होगा। इसको आपको लर्न करके रखना है, ठीक है, इसको आपको लर्न करके रखना है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको समझते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए क्या ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये प्रूव करके हम बताते हैं। देखिए तीनों का सबसे पहले स्क्वायर निकाला जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यदि निकाला जाए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्वायर करने पर ए रेस टू फोर, यहां ऐसे ना करके ए रेस टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, ये होगा, ठीक है। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यदि होल स्क्वायर किया जाए तो सेम यही नंबर आएगा, ए रेज टू फोर यहां पर माइनस हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू फोर, ओके। अब बचा टू ए बी, यदि टू ए बी का होल स्क्वायर किया जाए तो यहां पर होगा टू टू जा फोर, फोर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो ठीक है। यहां पर फर्स्ट इसको आपने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, टू ए बी का स्क्वायर, तीनों नंबर का, सपोज ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इन तीनों का हमने स्क्वायर निकाला। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है, इन ए ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर देन द गिवन ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसका मतलब इन तीनों में यदि चेक किया जाए तो सबसे बड़ा ये प्लस का है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यदि हम इधर करते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके स्क्वायर का और टू ए बी के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो अभी यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ चुका है माइनस का, ए रेस टू फोर
माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, ये इसकी वैल्यू आई थी। नाउ यहां पर प्लस लिखना है, नाउ टू ए बी का स्क्वायर, यहां पर ये आया था फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखें ए रेस टू फोर बचेगा और यहां पर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां और यहां प्लस है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां पर सॉल्व करने पर प्लस प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और प्लस ये बी रेस टू फोर यहां पर बच रहा है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। देखिए यहां पर ए रेस टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर, ये देखिए ये एक दूसरे के यहां पर इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब सोचो लेट यदि यहां पर कोई नंबर लेके चेक कर दिया जाए, ठीक है यहां पर दो नंबर लिया जाए, यदि सपोज ए इक्वल टू और बी इक्वल वन, देखिए इस प्रकार से कोई एक नंबर दो नंबर ले लिया जाए ए इक्वल टू बी इक्वल वन, और इसको एक चीज ध्यान रखना है ए हमेशा बड़ा होगा बी से, ए हमेशा बड़ा होगा बी से, देखिए यहां पर ए का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, यदि देखा जाए तो हाउ टू फॉर्म ट्रिपलेट, ए दो नंबर यहां पर दिया हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल वन, देखिए यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इस प्रकार से आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए इक्वल टू बी इक्वल वन यहां पर दो नंबर देकर रखे हैं और इस नंबर से आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, इस नंबर से आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने बताया कि इंस का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड, और थर्ड टू ए बी का यूज किया जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए पहला जो ट्रिपलेट का नंबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा, दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नंबर होगा, और तीसरा होगा टू ए बी का। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, यहां पर टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर, यहां सॉल्व करना है, यहां होगा टू टू जा फोर और प्लस वन का स्क्वायर वन मीन्स यहां पर आ रहा है फाइव, ये इसका डिजिट फाइव, फर्स्ट डिजिट इज फाइव। नाउ यहां पर क्या करना है, टू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, टू टू जा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, यहां पर आ रहा है थ्री, सेकेंड नंबर इज द थ्री, और थर्ड टू ए बी, टू मल्टीपल ए इज द टू, मल्टीपल बी इज द वन, टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर मीन्स यहां पर केवल फोर आ, फाइव थ्री एंड फोर। तो ट्रिपलेट क्या होगा, यहां पर फाइव थ्री एंड फोर, ये आपका ट्रिपलेट यहां पर आ गया। तो किस प्रकार से आपने ट्रिपलेट निकाला आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी दो नंबर दिए हो और उसका यदि ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले एक इसको सपोज करेंगे जो बी से बड़ा हो, क्योंकि बी से बड़ा ही ए होता है, आपने यहां कंडीशन देकर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यूज करना है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट के लिए, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर देंगे और थर्ड टू ए बी का यूज कर देंगे, तीन ट्रिपलेट आपका तुरंत फटाफट आ जाएगा। यदि इसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो बड़ा नंबर होता है जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू दोनों के स्क्वायर का सम देख लीजिए, थ्री का स्क्वायर एंड फोर स्क्वायर इन दोनों का सम चेक कर लीजिए, देखिए थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन और यहां पर फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, इधर भी 25 और यहां पर ऐड करने पर 25, देखिए दोनों साइड आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है आप यहां पर सीख सकते हैं और इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आप अपने आप को इजी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसके बाद आपकी बुक में देकर रखा हुआ है 30, 60 और 90 थ्योरम, 30, 60 और 90 का थ्योरम, जो कि इसे भी आपने क्लास नाइन्थ में शायद से पढ़ा होगा, और सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ये क्लास एट और नाइन्थ में ही इसको बता दिया गया है, तो फिर से यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए 30, 60, 90 थ्योरम क्या होता है, इन 30, 60, 90 का जो ट्रायंगल होगा द
द साइड अपोजिट टू 30, देखिए यहां पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि यहां पर 90 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो सबसे पहले यहां पर 90 डिग्री का फॉर्म कर दिया ए या फिर पी क्यू आर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 30-60-90 का थ्योरम क्या होता है। इन 30-60-90 ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू 30, सपोज ये 30 और ये आपका 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अपोजिट, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है, तो 30 के अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड ऑफ द 30 इज द क्यू आर, देखिए इसके सामने ये साइड पड़ रहा है, सो क्यू आर इज द अपोजिट ऑफ द एंगल 30 मीन्स क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर देखिए, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मीन्स क्यू आर की वैल्यू कभी भी निकालनी हो, यदि 30 के सामने हो, 30 के सामने वाले एक साइड की वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, मीन्स यहां पर पी आर होगा, मीन्स यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ पी आर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें, सपोज यहां पर पी आर की वैल्यू 10 हो, सपोज यहां पी आर मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू 10 हो और आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो साइड है, इस साइड की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये साइड कौन से एंगल के अपोजिट है, तो आपने देखा कि यहां पर 30 डिग्री के अपोजिट है, यदि 30 डिग्री के अपोजिट है तो आपको यहां पर इस प्रकार से लर्न करके रखना पड़ेगा कि जो अपोजिट 30 डिग्री के जो अपोजिट होते हैं वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होता है, मीन्स हाफ इंटू यहां पर 10 लिखेंगे, 2 5 2 5 10 मीन्स क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 5, ठीक है, इस प्रकार से आपको फाइंड करनी है। अब बात करते हैं अपोजिट टू 60 डिग्री, देखिए तो यहां पर एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, अंडर रूट 3 टाइम्स द हाइपोटेनियस, तो सबसे पहले अपोजिट टू 60 की बात करते हैं, देखिए साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट की बात करें तो कौन सा है, यहां पर देखिए पी क्यू है, 60 के अपोजिट यहां पर पी क्यू है, तो यहां पर कौन होगा पी क्यू, ठीक है, तो देखें पी क्यू की जो वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या होगा अंडर रूट 3/2, ठीक है, इसका रूल क्या है, साइड अपोजिट टू 60 इज अंडर रूट 3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, मीन्स इस प्रकार से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज द पी आर मीन्स 10, तो यहां पर पी क्यू की जो वैल्यू होगी देखें 2 5 10, सो 5/√3, ये इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साइड अपोजिट टू 30 के अपोजिट के साइड क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस लिखना है, और अपोजिट टू 60 की बात करें तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेनियस, इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक थ्योरम है 45 और 90 थ्योरम, ठीक है, 30-60-90 के बाद यहां पर 45 और 90 का थ्योरम देकर रखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखिए यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री, लेकिन यहां पर और जो बचे हुए एंगल है रिमेनिंग 2 एंगल इज द 45 एंड 45, ओके, सो यहां पर सपोज ए बी सी, ओके, देखे इसमें क्या करना है, इन 45 45 90 ट्रायंगल द अपोजिट टू इच एक्यूट एंगल, जो ये दोनों एक्यूट एंगल बने हैं, इन दोनों के अपोजिट मींस यदि देखा जाए इसके अपोजिट
बीसी, ठीक है, बीसी एंड इसके अपोजिट एबी, मीन्स एबी और बीसी की वैल्यू दोनों सेम होगी, ठीक है, एबी और बीसी दोनों की वैल्यू सेम होगी। वैसे भी देखा जाए यदि दो एंगल इक्वल हो किसी ट्रायंगल में तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग देखा जाए यदि 45 है तो 45 के जो अपोजिट होते हैं उसे कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले लिखते हैं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एंड पी सी। यहां पर दो है ए बी एंड बी सी है, तो ए बी फाइंड करिए या फिर बी सी फाइंड करिए, ए बी इक्वल यहां पर बी सी होने वाले हैं। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। तो क्या रूल है, द अपोजिट ऑफ द 45, द अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और यहां पर 10 था, तो यहां पर 10 की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 10 अपॉन अंडर रूट 2, ए बी इक्वल 10 अपॉन अंडर रूट 2, 10 अपॉन अंडर रूट 2, चाहे वो बीसी की वैल्यू हो तो ये वैल्यू आपकी बीसी की भी होगी, ठीक है, बीसी की भी वैल्यू 10 अपॉन अंडर रूट 2 हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर 30, 60, 90 और 45 और 90 का थ्योरम आपने सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी बेस पे सम आते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए, इसके रूल को तैयारी करके रखिए कि अपोजिट साइड, अपोजिट 60 के अपोजिट क्या होता है, अपोजिट 30 के अपोजिट का रूल क्या है, अपोजिट साइड 45 का रूल क्या है, तो इसको ध्यान में रखिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे।